जी मैं जमील अहमद फार्मर द जर्नलिस्ट अयोध्या उत्तर प्रदेश से। ये हम धान के खेत में खड़े हैं, काफ़ी लंबा एरिया है, देख लीजिए पूरा जो है ये धान गिर गया है। बारिश से किसानों का नुकसान हुआ, जहाँ किसानों का फायदा हुआ, जैसे इधर देखिए ये अभी कम पका हुआ है, ये कहीं कहीं गिरा है, बाकी इसमें नुकसान नहीं है। और ये देख सकते हैं पूरा जो है ये एकदम बाली इसकी पक गई है, दाना देख सकते हैं ये बिल्कुल पका हुआ धान है। ये लगभग एक एकड़ में है ये प्लॉट, पूरा का पूरा गिर गया है। बारिश का यह हो कि सरकार ने कई ज़िलों में अलर्ट कर रखा है, स्कूल कॉलेज की छुट्टी हो गई और आंधी तूफान भी आया, कहीं कहीं बिजली भी गिरी पड़ी हैं। तो इसमें भैया ये प्राकृतिक आपदा है ये, और हालांकि सरकार काफ़ी निगरानी में है, अधिकारियों को निर्देश भी दे रखा है कि भाई नुकसान वाली जगह पर आप लोग जाएं, खुद निगरानी करें, किसानों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना सारा जो है, ऐसे बहुत से खेत हैं जो कि जब ख़राब हो गया है। अब ये देखिए पानी इसमें भरा हुआ है, इसकी क्रॉप कटिंग भी होना मुश्किल है। ये देखिए पानी भरा हुआ है इसमें। हम फार्मर द जर्नलिस्ट के तरफ के चैनल के माध्यम से किसानों को की समस्या का यह अवगत करा रहे हैं कि किसान काफ़ी परेशानी में चल रहा है। अब किसान क्या करे, ये पोजीशन है। बारिश ज़्यादा हो गई, आंधी तूफान के हिसाब से आंधी तूफान साथ में आया, इसलिए जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब देखते हैं इस पर सरकार क्या मुआवजा देती है, कैसे क्या करती है, और आप लोग भाई किसान के समर्थन में आए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अधिकारी भी इस पर ध्यान दें। तो ये हमारा वीडियो इसी पे मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि ज़्यादा बारिश की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जहाँ गर्मियों से काफ़ी राहत मिली है, वहीं जो है किसान की मेहनत पर पानी भर ही गया है। ये देख लीजिए, दिखाओ वो इधर, ये देखिए ये पानी है, ये देख सकते हैं आप, देखिए पूरा एरिया। ऐसे बहुत से ऐसे खेत हैं जो कि धान पक जैसे जो जल्दी लगा दिया है धान मई जून में, उन्हीं खेतों में ऐसा समस्या आ रहा है, और बाकी जो बाद में लगा हुआ है उसमें दिक्कतें नहीं आ रही हैं। बाकी काफ़ी अच्छे धान भी हैं, सब नुकसान नहीं हुआ है, देख सकते हैं ये। तो ये धान जो है अच्छे भी हैं, ख़राब भी हैं, यानी कि जो पक गया है वो तो समझ लो फसल एकदम बर्बाद हो चुकी है। ये हमारा वीडियो कैसा लगा, किसान की मेहनत कैसी है, उसको क्या मिलेगा इसमें, क्या नहीं मिलेगा, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय किसान, जय विज्ञान। किसान बहुत परेशान है, अभी तक बारिश का रोना था कि बारिश नहीं हो रही है। नलकूप भी देख सकते हैं वहाँ पर लगा हुआ है, अभी तक बारिश नहीं आ रही थी तब परेशानी थी, अब बारिश हो गई तब परेशानी। बारिश इतनी हुई कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया किसानों का। तो फिर से आग्रह है, अधिकारी लोग इस वीडियो को देखें, इस पर कोई अच्छा सा निर्णय लें, ताकि किसानों की परेशानी हल हो सके। जय हिंद।